देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश की राजधानी दिल्ली में आज से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और साथ ही ठंड भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ कोहरा का कहर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज से शीतलहर का भी अनुमान लगाया है। वहीं आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने से सर्दी से राहत भी मिलेगी। इस बीच ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ती नजर आएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज के बाद पारा गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। नोएडा में आज अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। यहां भी दिन में धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं हवा में नमी का स्तर 34 से 95% रिकॉर्ड हुआ था। इस वजह से सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा था और दृश्यता का स्तर भी कम रिकॉर्ड किया गया था। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में पहले ही सुधार है। सफर के अनुसार दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 9 दिसंबर को 292 दर्ज किया गया है। हालांकि ये अभी भी खराब श्रेणी में ही है। दूसरी तरफ नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।